हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 6 वन विद गिव एंड टेक। अभी आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87। तो देखो, अभी हमको यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं जो अभी हम सिर्फ समझेंगे और उसको हम नोटबुक में लिखेंगे। सी, इंडूस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिस पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हुज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। तो इंदू की जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हमको बताना है कि किसकी पेंसिल ज़्यादा बड़ी है। तो इंदू की पेंसिल ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और नीचे एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच लॉन्गर, कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। तो इंदू की पेंसिल ज्योति की पेंसिल से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 2, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको आपके पापा या मम्मी से 1 किलो शुगर की प्राइस और 1 किलो सॉल्ट की प्राइस पूछनी है, और प्राइस जानने के बाद आपको बताना है कि दोनों में से ज़्यादा कॉस्टली क्या होगा, यानी महंगा क्या होगा और कितना महंगा होगा। तो सपोज़ जो सॉल्ट की प्राइस है वो 15 रुपीज़ है और जो शुगर की प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। ओके, हम सपोज करते हैं तो शुगर की प्राइस ज़्यादा होगी, इसलिए शुगर क्या होगा, कॉस्टली होगा। और कितना कॉस्टली होगा इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 40 माइनस 15 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 25। तो उतना शुगर क्या होगा, महंगा होगा सॉल्ट से। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। अभी अजय को चपातीज बनाने में 25 मिनट्स लगे, उसके बाद उसने दाल बनाई, वो बनाने में उसको 15 मिनट्स लगे। अभी हमसे पूछा है कि टोटल दोनों चीज़ें बनाने में उसको कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, 25 प्लस 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40। तो दोनों चीज़ें बनाने में उसको 40 मिनट्स लगे। ओके, नाउ नंबर 4, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 डेज, शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर्स। अभी चंचल ने कुछ स्कूल स्वेटर सेल किए, 2 दिन में उसने रेड ब्लू और ग्रे कलर के स्वेटर्स सेल किए। अब हमको नीचे टेबल दिया है, स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट दिन पे उसने कितने सेल किए, तो रेड वाले 38, ब्लू 66 और ग्रे 74। स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे पे उसने कौन से सेल किए, रेड 40, ब्लू 23 और ग्रे 89। अब इससे रिलेटेड हमको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सी, लुक एट द अबाव एंड आंसर द फॉलोइंग। ए, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज, 2 दिन में चंचल ने ग्रे स्वेटर्स कितने सेल किए। तो ऊपर टेबल में देखेंगे, फर्स्ट डे पे उसने ग्रे स्वेटर सोल्ड किए 74 और सेकेंड डे पे सोल्ड किए 89। तो अभी हमको टोटल जानने के लिए हम दोनों का प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 163। ओके, नाउ नेक्स्ट बी, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या उसने रेड स्वेटर्स ज्यादा सेल किए कंपेयर टू ब्लू स्वेटर्स 2 दिन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रेड स्वेटर्स का टोटल करेंगे जो उसने फर्स्ट और सेकंड डे पे बेचे ना, 38 प्लस 40 करेंगे तो आंसर आएगा 78। ओके, उसके बाद हम ब्लू स्वेटर्स का टोटल करेंगे, 66 प्लस 23 तो आंसर आएगा 89। तो 78 जो है वो 89 से कम होता है, इसलिए उसने रेड स्वेटर्स ज़्यादा सेल नहीं किए कंपेयर टू ब्लू स्वेटर्स। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 88, क्वेश्चन सी इसके रिलेटेड ही है, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120, टिक द राइट आंसर। अब हमसे पूछा है कि उसने कितने रेड और ग्रे स्वेटर्स सेल किए
पहले दिन पे, और क्या वो 120 से ज़्यादा है या कम है उस पर हमें टिक करना है। तो जब आप आगे टेबल में देखोगे तो उसने रेड स्वेटर्स पहले दिन पे सेल किए हैं 38 और ग्रे स्वेटर्स सेल किए हैं 74। तो जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 112, विच इज लेस देन 120। 112 120 से कम होता है, तो इसलिए हम लेस देन 120 वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन डी, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140। टिक द राइट आंसर। अब हमसे पूछा है कि टोटल सेकेंड डे पे टोटल स्वेटर्स उसने कितने सेल किए हैं रेड ब्लू और ग्रे को मिला के, और वो 140 से ज्यादा है या कम है। ओके, तो आगे टेबल में देखोगे तो सेकेंड डे पे उसने सेल किए हैं रेड 40, ब्लू 23 और ग्रे 89 स्वेटर्स। तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 152, विच इज मोर देन 140। 152 140 से ज्यादा होता है। ओके, तो हम मोर देन 140 पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन वीडियो, वी विल राइट ऑल द सम्स इन द नोटबुक। ओके।